दोस्तों, यूं तो 2022 में बहुत सारी क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज रिलीज की गई हैं, लेकिन आज के इस काउंटडाउन में हम बात करने जा रहे हैं कुछ कुछ ऐसे न्यू क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज के बारे में जिन्हें रिलीज की गई है नवंबर और दिसंबर महीने में। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज हैं आज के हमारे इस काउंटडाउन में जो कि रिसेंटली रिलीज की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये इंटरेस्टिंग काउंटडाउन। नंबर 8, फॉल। सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज के कॉन्सेप्ट शुरू होती है किसी लड़की से जो कि अपने आप को मार देना चाहती है और वो अपने आप को मारने के लिए छत से छलांग भी लगा देती है, लेकिन किसी तरह से वो बच जाती है। लेकिन बचने के बाद उसकी याददाश्त पूरी तरह से खो जाती है, यानी कि वो अपने पास्ट के बारे में पूरी तरह से भूल चुकी होती है। लेकिन असल में उसके पास्ट में क्या मिस्ट्री छिपी हुई है, इसी को रिवील करने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं डिज्नी हॉटस्टार पर और इसे IMDb दी है 10 में 8.1। नंबर 7, फाड़ू, अ लव स्टोरी। सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड रोमांस एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज के कॉन्सेप्ट शुरू होती है कैसे लड़के से जो कि बस्ती में पला बड़ा रहता है, लेकिन उसके ख्वाब बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं और वो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए कितने सारे क्राइम्स को अंजाम देता है, यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं सोनी लिव पर और इसे IMDb देती है 10 में 8.2। नंबर 6, द बंगाल स्कैम, बीमा कांडो। सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो ये कंप्लीट सीरीज एक्चुअल में एक सच्ची घटना पर आधारित है। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है कैसे गैंगस्टर से या फिर कह सकते हैं कि एक ऐसे क्रिमिनल से जो कि पहले बीमा करवाता है, बाद में उस इंसान को मार देता है और उसके आए हुए बीमा के रकम को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता है, और ये सभी क्राइम्स को किस तरह अंजाम देता है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज बंगाली और हिंदी दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है। इसे रिलीज की गई है होइचोई पर और इसे IMDb रेटिंग दी है 10 में 7.1। नंबर 5, धारावी बैंक। सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो ये कंप्लीट सीरीज एक्चुअल में एक सच्ची घटना पर आधारित है। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है धारावी बैंक से जिसके मालिक एक्चुअल में एक गैंगस्टर हैं, लेकिन इस गैंगस्टर को एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर किसी भी तरह से मारना चाहता है। लेकिन असल में ये ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर उस गैंगस्टर को क्यों मारना चाहता है, इवन इस गैंगस्टर का लास्ट तक अंजाम क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज के सीजन 1 ही फिलहाल रिलीज की गई है, इसकी सीजन 2 बहुत जल्द रिलीज की जा रही है। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं MX प्लेयर पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 9। नंबर 4, वेदांती। सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज के कॉन्सेप्ट शुरू होती है एक ऐसी लड़की से जिसकी डेड बॉडी एक जंगल में पाई जाती है, और कहानी की शुरुआत यहीं से होती है कि असल में इस डेड बॉडी के पीछे क्या मिस्ट्री छिपी हुई है, इवन इसे मारने के पीछे किनका हाथ है, और ये मिस्ट्री इस वेब सीरीज में किस तरह रिवील की जाती है ये भी इस सीरीज को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon Prime Video पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.6। नंबर 3, खाकी, द बिहार चैप्टर। सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो ये कंप्लीट सीरीज एक्चुअल में एक सच्ची घटना पर आधारित है। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है कैसे IAS ऑफिसर से जो कि बिहार में छिपे हुए एक क्रिमिनल को किसी भी तरह से ढूंढ के निकालना चाहता है और उसे सजा देना चाहता है, लेकिन लास्ट तक ये IPS ऑफिसर उस क्रिमिनल को किस तरह पकड़ने में कामयाब होता है यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.4। नंबर 2, कैट। सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो ये कंप्लीट सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है जो कि एक्शन थ्रिलर सीरीज देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है पंजाब से जहाँ पर ड्रग्स एक्चुअल में न्यू जनरेशन को पूरी तरह से खत्म कर रही होती है, लेकिन इसी बीच एक ऐसा आदमी जो कि किसी भी तरह से इस ड्रग रैकेट को खत्म करना चाहता है और ड्रग रैकेट के पीछे छिपे हुए लोगों को सजा देना चाहता है, और लास्ट तक वो अपने इस मकसद को किस तरह कामयाब करता है यही सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 9.7। और लास्ट नंबर 1 पर हम बात करेंगे मुखबिर, द स्टोरी ऑफ अ स्पाई। सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो ये कंप्लीट सीरीज एक्चुअल में एक सच्ची घटना पर आधारित है। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है मुखबिर यानी कि एक ऐसा एजेंट जिसे पाकिस्तान भेजा जाता है कुछ डेडलिस्ट काम करने के लिए, लेकिन वो पाकिस्तान में जाकर अपनी देशभक्ति किस तरह निभाता है यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज की स्टोरी आपको किसी भी जगह पर बोर नहीं होने देगी। सीरीज रिलीज की गई है Z5 पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.8। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का काउंटडाउन पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।